हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स कलवर्ट के ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं और ड्राइंग से हम क्या क्या डेटा एक्वायर कर सकते हैं और ड्राइंग को कैसे रीड करना है अच्छे तरीके से, कैसे हम उसमें दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे सारे इन्फॉर्मेशन सारे डेटा को समझ सकते हैं सिंपल वे में, हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं या जो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप सब ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ में ही हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी ज़रूर फॉलो करें और साथ ही में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स जो हम यूज़ करते हैं वीडियो बनाने में, उसको हम वहाँ शेयर करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं। तो इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट को ये सब चाहिए हो है तो वो ज़रूर हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखे ताकि जो भी पोस्ट करे तो वो उनको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स कलवर्ट का ड्राइंग का डिटेलिंग करते हैं, ड्राइंग को डिटेल में समझाते हैं आपको। इसमें डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह डला हुआ है, इसमें आपको जो है सेक्शन है, इसमें आपको जो है बॉक्स का अरेंजमेंट डिटेल है, बॉक्स के ब्रैकेट का डिटेल है, बॉक्स का सेयर की का डिटेल है, उसके बाद साथ साथ बॉक्स के टू वॉल का डिटेल है, उसके बाद जो है इसका स्टील रेनफोर्समेंट का डिटेल है, उसके बाद जो इसमें हम रिटर्न वॉल यूज़ करेंगे उसका डिटेल है। तो ये सारे चीज़ इसमें कवर किया गया है। और साथ में इसमें जो यूज़ होगा रेलिंग जो है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो रेलिंग है ये RCC रेलिंग, इसका भी डिटेल दिया गया है। तो ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जो ड्राइंग मिलता है अपने को, इस ड्राइंग का हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि अपन को स्टार्टिंग में अगर कोई भी चीज़ का ड्राइंग मिलता है तो अपने को कहाँ पे स्टार्टिंग में इसको देखना है। डायरेक्ट अपन स्टार्ट नहीं करते हैं इसको, सबसे पहले जो यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है इसको आपको अच्छे से रीड करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो इसको हम बता दें आपको, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टाइटल जो है ना, टाइटल को अच्छे से देखना है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहता है, क्या है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ 3 units ऑफ 3x6x5 meter ऑफ बॉक्स कलवर्ट एट चेनेज 11+350। ठीक है, उसके बाद अब ये 11+350 तो चेनेज हो गया, इसके साथ अब अपने को क्या चाहिए रहता है, रोड, किस रोड के लिए है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के लिए है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपने को पहले देखना रहता है ड्राइंग अपने को मिलते ही। तो अब यहाँ पे जब ड्राइंग आपको मिल गया है, अब यहाँ पे जो हम दो चीज़ बताए हैं इसमें, हम एक तो बताए हैं 3 units ऑफ 3x6x5 ऑफ बॉक्स कलवर्ट, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसको समझना रहता है। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या है 3x6x5, पहले हम इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, 3x6x5 क्या कहना चाह रहा है। तो जो स्टार्टिंग रहता है ना वो नंबर्स ऑफ बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स का नंबर कितना है वो ये बता रहा है। तो इसमें क्या बताया, 3 है, तो मतलब 3 बॉक्स है अपने पास। ठीक है, 3 बॉक्स है। अब 6 क्या डिनोट करता है, तो 6 आपको हमेशा डिनोट करेगा स्पान, ये एक बॉक्स का जो है क्लियर स्पान कितना है, एक बॉक्स जो है उसका विड्थ कितना है, विड्थ को डिनोट करता है जो ये 6 है। सेकेंड, ये नंबर्स ऑफ बॉक्स हो गया, ये विड्थ ऑफ बॉक्स हो गया, और ये 5 जो है ये हाइट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या है, 3 बॉक्स है जिसका विड्थ 6 meter है और हाइट कितना है, 5 meter है सबका। ठीक है, अब उसके साथ साथ 3 units है, तो मतलब ऐसा 3 units है। कहने का मतलब ये हो गया कि 3 units का मतलब ये हो गया कि 1 unit ये हो गया, साथ में ये दोनों ये, सॉरी एक मिनट और अच्छे से बनाते हैं इसको, ये ऐसा हो गया, ये 1 unit, ये 2 units और ये 3 units, और तीनों में 3 3 box है। ठीक है, 3 3 box तीनों में है, तो ये 1 2 3, तो ये 3 units ऑफ 3 मतलब हो गया 1 2 3, 3x6 मतलब हर एक बॉक्स का 6 meter का जो है
विड्थ है इनटू जो हाइट जो है वो हाइट अपना 5 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका नोटेशन होता है, जो इसका डिनोट किया जाता है, वो डिनोट ऐसे ही करते हैं। अगर बाय द वे आपके पास ऐसा है कि 1 × 3 × 4 अगर आ गया कोई भी बॉक्स का अरेंजमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स का सेल है बस, और 3 मीटर इसका विड्थ है, और इसका 4 मीटर क्या है हाइट है इसका, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक चीज़ है, और बहुत सारे आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 3 × 6 × 5 है तो 6 हाइट बोल रहा है कि 6 इसका विड्थ बोल रहा है, तो ये उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब देखिए इस चीज़ को हम वेरीफाई आपको करवाएंगे कहाँ से, ड्राइंग से वेरीफाई होगा। तो अब ड्राइंग में आ जाइए, देखिए ड्राइंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अब देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे एक सेपरेशन आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक कट जैसा लगा है, तो ये इतना जो है ये एक यूनिट हो गया। एक यूनिट में 1, 2 और 3 तीन बॉक्स है, ठीक है। तो अभी एक यूनिट का बात करेंगे तो 3 हो गया, 3 बॉक्स, तो यहाँ पे 3 × अब इसका क्या है, अपने को उसके बाद दिया रहता है विड्थ दिया रहता है, तो विड्थ अपने को देखना है। तो विड्थ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, तो हम आपको पहले विड्थ दिखा दें, विड्थ कहाँ पे दिया है, विड्थ यहाँ पे नहीं दिया, हाइट तो दिया है, ये 5000 दिया है हाइट, लेकिन यहाँ पे विड्थ नीचे दिया होगा। हम विड्थ आपको नीचे दिखा देते हैं, विड्थ जो है यहाँ भी नहीं दिया है, ठीक है। हम विड्थ अभी आपको दिखाते हैं, कहीं ना कहीं दिया होगा विड्थ, हम वहाँ से आपको विड्थ बता देंगे कि इसका विड्थ, हाँ सॉरी विड्थ दिया गया है। ये देखिए कैसे यही चीज़ रहता है कि कहीं ड्राइंग में जैसे कि यहाँ 5000 लिखा है तो यहीं पे 6000 लिखा रहता है, लेकिन कहीं यहाँ पे देखिए ये जो 6000 दिया गया है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये 6000 बताया गया है, और ये 5 जो है इसका हाइट है। तो ये यही बताता है कि 1, 2, 3 जो है ना, तो ये 1 यूनिट में 3 × 6 इसका विड्थ, 5 इसका हाइट, और ऐसा ऐसा 3 ठो है, 1, 2, 3 है, तो इसलिए आगे लिखा है 3 यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को अपने को बहुत ही ध्यान देना रहता है कि जब भी अपने को कोई भी नोटेशन दे रहा है तो 3 यूनिट बोलेगा तो मतलब 3 यूनिट है, और यूनिट का एक यूनिट का डिस्क्रिप्शन उसके बाद दिया रहेगा, जो पहला नंबर दिया रहेगा जो भी वो अपना नंबर्स ऑफ बॉक्स बताएगा, उसके बाद जो दिया रहेगा वो अपना विड्थ बताएगा, उसके बाद जो बताएगा वो अपना हाइट ऑफ बॉक्स बताएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, और ये आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब उसी के रिस्पेक्ट में अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आगे हम बता दें 3 यूनिट है, अब ये देखिए 3 यूनिट कैसे क्लियर होगा आपका, ये देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक जो है यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 और ये 3, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, 3 यूनिट हो गया, हर यूनिट में 3, 3, 3 है, तो ऐसे करके ये बन गया, ठीक है। अब चलिए अब इसका हम डिटेल देखते हैं। तो पहले जो है इसका प्लान देखा जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका प्लान है, प्लान मतलब टॉप व्यू, ऊपर से कैसे दिखता है उस वो बताया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लान। तो ये अपना बॉक्स कलवर्ट का प्लान है, ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स कलवर्ट का प्लान है, ये बॉक्स कलवर्ट का प्लान है। और इस प्लान को क्या किया जाता है, इस प्लान को सेक्शनली, सेक्शन वाइज इसको देखा जाता है। जैसे कि एक यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है आपको, ये ऐसा लाइन दिया गया है, तो मतलब इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ से इसको कट करके और इधर के तरफ, यहाँ पे खड़ा होके इधर के तरफ देखा जा रहा है, तो ये बॉक्स कैसा दिखेगा, ठीक है। और इसमें देखिए नोटेशन दिया गया होगा, इसमें देखिए ये एक्स एक्स लिखा है ना, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये एक्स लिखा होगा ना, और ऊपर भी एक्स लिखा होगा, तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का नाम क्या हो गया, ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे देखिए एक्स है ना, तो ये सेक्शन का नाम क्या हो गया, एक्स, मतलब इसको एक्स एक्स ऐसे कटिंग किया है, कट करके यहाँ पे देख रहे हैं, और देखना किधर से है अपने को, ये जिधर के तरफ एरो है ना, मतलब इधर के तरफ देखना है, खड़ा होके यहाँ पे खड़ा होना है और इधर के तरफ देखना है, और ये एक्स एक्स। तो अब ये एक्स एक्स सेक्शन का डिटेल कहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सेक्शन एट द रेट एक्स एक्स, तो वहाँ पे खड़ा होके जब देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम इस पर आगे बात करते हैं, उससे पहले और भी सेक्शन उसमें दिया गया है, वो सेक्शन का भी डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। अब उसके बाद इसका एलिवेशन दिया गया है, ये तो प्लान हो गया, अब प्लान के ऊपर हमेशा एलिवेशन रहता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि ये तो टॉप व्यू हो गया,
अब टॉप व्यू नहीं, अब या तो अपन डाउन स्ट्रीम के तरफ आके खड़े होके देखेंगे या तो अप स्ट्रीम के तरफ आके खड़े होके देखेंगे, तो ये कैसा दिखेगा उसको हम एलिवेशन में शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एलिवेशन है। अब इसमें हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी बताए हैं, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का भी डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है? तो हमेशा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी का फ्लो होगा। ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, इसको हम क्लियर कर दें पहले। ये हमेशा ऐसा रहता है, पहले अप स्ट्रीम रहेगा और इधर से पानी बह के डाउन स्ट्रीम की तरफ आएगा। अप स्ट्रीम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और डाउन स्ट्रीम का लेवल थोड़ा कम होगा, ताकि पानी जो है फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है। जिस साइड से पानी इन करेगा उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, और जहाँ पर डिस्चार्ज आउट हो जाएगा उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्लियर हो गया। तो ये जो एलिवेशन है वो ये जो अपना ब्रिज है या ये कलवर्ट जो है, इस कलवर्ट के या तो आप डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम कोई भी एक स्ट्रीम में जाके अगर खड़ा होकर इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो उसको उसका डिटेल आपको कहाँ पे दिया रहता है? एलिवेशन में दिया रहता है। और ये इसका एलिवेशन है, और ये इसका एलिवेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पूरा दिया गया है, ये इसका, ये रोड का एलिवेशन है। इसमें अब आपको कुछ डिटेल भी दिया होगा कि इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और इधर कहाँ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किधर से किधर बताया। यहाँ पे ये पर्टिकुलर वहाँ के एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया है कि इधर के तरफ जो है सेमरी आएगा और इधर के तरफ जो है साकला आएगा। तो ये चीज़ इसमें ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है इसमें, अब इसका जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है एलिवेशन, और क्या होता है प्लान, और क्या होता है सेक्शन। तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन जहाँ पे ये ऐसा जो ये लाइन दिया गया है, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्स लाइन जो है, तो ये इसका ये सेक्शन बताता है कि ये यहाँ से कट करके अपन देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, और तीनों हम आपको बता दिए हैं कि सेक्शन, प्लान और एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।